नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन हमें अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने आपको कल दो स्टॉक बताए थे, आज देखने के लिए उनकी मूवमेंट कैसी रही और आज उन्होंने कैसा मूव किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक था उसकी मूवमेंट हमें कैसी देखने को मिली। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक था वो था चोला फाइनेंस का। देखिए चोला फाइनेंस को मैंने आपको बाई बताया हुआ था 1495 रुपए के ऊपर। यहां देख सकते हैं 9:15 की पहली कैंडल में हमारी बाई को एक्टिवेट हुई और इसने इसी कैंडल में हाई लगाया 1506 रुपए का। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 1505 रुपए का था, हमारी पहली कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो गया और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम बात करें इसके सेल साइड की, मैंने आपको इसको सेल बताया हुआ था 1478 रुपए के नीचे। आप देख सकते हैं इस कैंडल में हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई, 1:45 की कैंडल में हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई और हमारा जो इसने टारगेट था तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने लो लगाया 1452 रुपए का। हमारा जो सेकंड टारगेट था 1458 रुपए का था, यहाँ पर इसने सेकंड टारगेट को भी रिटर्न कर दिया, काफी इजीली रिटर्न किया। तो चोला फाइनेंस में हमें बाई और सेल साइड दोनों साइड में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आपको चोला फाइनेंस की कॉल पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसकी मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था लुपिन का। देखिए लुपिन को मैंने आपको बाई बताया हुआ था 782 रुपए के ऊपर, स्टॉक लॉस हमारा 776 रुपए का। तो आप देख सकते हैं 9:15 की पहले कैंडल हमारी बाई को एक्टिवेट हुई और इसने हाई लगाया 786 रुपए का। हालांकि बाद में आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल में स्टॉक रिवर्स हुआ और यहाँ पे इसने लो भी लगाया 776.85 का, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था 776 रुपए का था जो कि कहीं भी नहीं हुआ। और यहाँ पर आगे जाकर इसने हाई लगाया 790 रुपए का। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 788 रुपए का था, उसको यहाँ पर इसने काफी इजीली डन कर दिया। तो इस तरह से हमारा लुपिन स्टॉक भी हमारा सक्सेसफुल रहा। चलिए देखते हैं हमारा जो कल के लिए जो मैं थर्सडे के लिए आपके लिए दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से, उनकी मूवमेंट कैसी होने वाली है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी मैं लाइव मार्केट में इंट्राडे की अच्छी अच्छी कॉल पोस्ट करता रहता हूं, उससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आप उसको भी जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर अभी तक आपने आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, उससे भी आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक है कल थर्सडे के लिए वो कौन सा है। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है वो एससीएल टेक का। देखिए एससीएल टेक ने एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके किसी भी तरफ को निकलता है अपर साइड में या लोअर साइड में तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एससीएल टेक को हम बाई करेंगे 1123 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 1115 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1131 का, सेकंड टारगेट 1140, अंतिम टारगेट होगा 1148 का। अगर एससीएल टेक नीचे की निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 1112 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 1120 का। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 1104 का, सेकंड टारगेट होगा 1095, अंतिम टारगेट होगा 1085 का। दोस्तों ये सारी वीडियो में एजुकेशन पर्पज से बनाता हूं, तो आप वीडियो को देखें सीखें समझें ताकि आप भी इंट्राडे में एक अच्छे ट्रेडर बन सके। और कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सारे लेवल कैश के लेवल होते हैं, कोई भी मैं फ्यूचर का लेवल नहीं बताता हूं। तो अगर आप इसको वॉच भी कर रहे हैं तो आप सिर्फ फ्यूचर के लेवल को वॉच मत कीजिए, ये सिर्फ कैश के लेवल होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है। दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टॉक हुआ है साइमंस का। देखिए साइमंस ने एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, अगर अपने इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके किसी भी तरफ को निकलता है अपर साइड में लोअर साइड में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस प्राइस के ऊपर या नीचे इसको सस्टेन करना चाहिए। साइमंस को हम बाय करेंगे 1166 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 1156 का। हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 1175 का, सेकंड टारगेट 1185, अंतिम टारगेट होगा 1195 का। अगर साइमंस नीचे को निकलेगा तो इसको सेल करेंगे 1155 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 1165 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1145, सेकंड टारगेट होगा 1155, अंतिम टारगेट होगा 1125 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।